मुसलमान हो या अफगानी हो या इंडियन हो, whosoever, मर्द मुजाहिद है वो शख्स। हमें बहुत अच्छे से इस किस्म के आदमी की जरूरत थी और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके असरात नजर आ रहे हैं। कौम के लिए बहुत अच्छा है, हमारा फौज ऐसा ही होना चाहिए। जिस हालात में जा रहा है, इस हालात में हमारे लिए चमकता हुआ सितारा है। जनरल राजशेख ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अब के 14 अगस्त बहुत अच्छी मनाई है सबने। डूबती हुई कश्ती को सहारा देना, उनका किरदार पाकिस्तान के लिए इस तरह से है। दहशतगर्दी को ख़त्म किया है और अमन की तरफ कराची को लेके आए हैं। पाकिस्तान का असासा है, उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी ऐसी कामयाबियों से नवाजा है। सर से लेके पांव तक हर पाकिस्तानी को उन्होंने खुश कर दिया है। इनके जो उन्होंने हालात संवारे हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। हमारे मुल्क के लिए जो कर रहा है अभी, अब हालात बेहतर हो रहे हैं अभी। पाक फौज जिंदाबाद, जनरल राइस साहब जिंदाबाद। हमें उन पर फख्र है और बहुत अच्छा उनका करदार है। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अच्छा अमन कायम किया हुआ है, हमें उन पर फख्र है। इंशाल्लाह ये आगे भी इस तरह करेगा। बलोचिस्तान में क्या पूरे मुल्क में इतने अच्छे अमन, इतना अमन अमान हो गया कि लोग आराम से घूम फिर रहे हैं। जनरल राहिल शरीफ ने तमाम ही मोर्चों पर जो है हमारी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद किया। किलिंग काम हो गई है कराची में, ये जो बड़े बड़े माफिया ये डरे हुए हैं, तो कराची के लोग तो खुश हो रहे हैं। तो इसलिए जो आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं पॉलिटिशियन हूं, लेकिन फौज का और जनरल रहील का ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो काम वो कर रहे हैं जो हम पॉलिटिशियंस को करना चाहिए। चाहे वो रवायती जंग हो, चाहे गैर रवायती, चाहे हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं।